हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छोले की रेसिपी। छोले हर किसी की फेवरेट डिश होते हैं और हम इसे हफ्ते में एक बार बनाते हैं, तो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ पंजाबी छोले की रेसिपी। तो शुरू करते हैं। ये मैंने लिए हैं छोले, ये मैंने ओवरनाइट सोक कर लिए हैं। मैंने इस कटोरी के नाप से 3 कटोरी छोले रात में सोक करने के लिए डाले थे। अब हम लोग छोले अपने कुकर में डालते हैं। अब हम लोग इसमें डालेंगे अपना पानी। टोटल पानी मैंने इसमें 5 कप और थोड़ा सा पानी और डाला है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, कुछ मैं इसमें खड़े मसाले भी डालूंगी, ये 4 लौंग है, 2 छोटी इलायची, 4 से 5 छोटी छोटी लकड़ियां हैं दालचीनी की, 2 तेज पत्ता और एक ये बड़ी इलायची, इसको हम लोग तोड़ के डालेंगे। थोड़ा सा इस तरीके से तोड़ लिया मैंने। अब हम लोग अपने कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं, अपनी गैस ऑन करते हैं। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और इसमें रख देते हैं अपने कुकर। कुकर में 8 से 10 सीटियां मैं लगाऊंगी छोले पकाने में। अब हम लोग चेक करते हैं, मैंने इससे 10 से 12 सीटियां इसमें लगाई हैं। अब हम लोग इसको चेक करते हैं, हमारे छोले पक गए हैं। ये देखिए, छोले हमारे बहुत अच्छी तरीके से देखिए पक गए हैं। अब हम लोग इसको साइड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 हरी मिर्च ली हैं, 10 से 12 कलियां लहसुन के लिए हैं, 1 प्याज ली है, इसको मैंने रफली चॉप किया है, 2-3 मीडियम साइज के टमाटर है, इनको भी मैंने रफली चॉप किया है। इन सबको मैं हम पीसेंगे। मैंने यहाँ पे मिक्सिंग जार ले लिया है, इसमें 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, लहसुन और ये प्याज। अब चलते हैं इसको पीसने। ये देखिए, ये मैंने अपना लहसुन। अब हम लोग चलते हैं छोले बनाने के प्रोसेस में। मैं यहाँ पे अपनी गैस ऑन करती हूँ, ऑन करके बर्तन रखती हूँ। इसमें मैं 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल डालूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम लोग इसमें डालेंगे जीरा। पिंच ऑफ हींग, इसमें जाएंगे प्याज के मसाले। इसको हमको तब तक पकाना जब तक ये हल्का सा रेडिश नहीं हो जाता। ये देखिए, प्याज ने हमारी कलर चेंज कर दिया है। अब हम लोग इसमें डालेंगे अपने मसाले। गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, छोले मसाले, ये मेरा होममेड गरम मसाला है, और इसको मिला दो। बाद में हम इसमें डालेंगे अपनी टमाटो प्यूरी।
लिया अच्छे तरीके से। अब इसमें डालेंगे नमक। नमक याद रखिएगा, आप लोगों ने छोले में भी डाला है इस वजह से हम छोले नमक संभाल के डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा जाएगा कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी का फ्लेवर इसमें काफी अच्छा आता है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। पंजाबी छोले बना रहे हैं तो इसमें कस्तूरी मेथी तो पड़ेगी। हमारा भून गया है, अब हम लोग इसमें डालेंगे अपने छोले। इसमें मैंने आधे छोले हटा लिए हैं, आधे ही बना रही हूँ। छोले डाल दिए हैं, अब इसको हम लोग मिला लेते हैं। थोड़ा सा ये मुझे गाढ़े लग रहा है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। अब हम लोग इसको एक उबाल तक पकने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, छोले में हमारे उबाल आ गई है, इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। छोले हमारे बन के रेडी हैं, अब हम इसको चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पंजाबी छोले बनके तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी में। थैंक यू।